अगली खबर में बात करते हैं दमोह की, जहां एक महिला ने बीच रास्ते में चारपाई पर एक शिशु को जन्म दे दिया। शुक्रवार शाम प्रसव पीड़ा होने के बाद परिवार के लोग महिला को अस्पताल ले जाना चाहते थे। गांव में मुख्य मार्ग तक करीब 5 किलोमीटर का कीचड़ भरा रास्ता होने के कारण परिजनों ने महिला को चारपाई पर लिटाया और उसे लेकर आ रहे थे। रास्ते में महिला ने एक शिशु को जन्म दे दिया। जैसे तैसे परिवार के लोग महिला को मुख्य मार्ग तक लेकर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे बाद 108 वाहन पहुंचा। तब जाकर महिला को कुम्हारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। महिला को खून की कमी बताई गई। रात में महिला को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार होता दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला पटेरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जोगी डॉबर के गौरी गाँव का है। शनिवार शाम पप्पू आदिवासी की पत्नी नन्नी बाई आदिवासी 24 घंटे को प्रसव पीड़ा में हुई महिला की तकलीफ देखने के बाद परिवार के लोगों ने उसे चारपाई पर कीचड़ भरे रास्ते से लेकर आ रहे थे। रास्ते में महिला ने शिशु को जन्म दे दिया। महिला की सास आशाबाई ने बताया कि दर्द सुबह से हो रहा था, लेकिन शाम तक दर्द बढ़ गया। उन्हें लगा कि मामला बिगड़ सकता है, इसलिए वह अस्पताल लेकर आ गई थी। गांव का रास्ता खराब है, बारिश में कोई भी वाहन गांव नहीं जा पाता। कई बार अधिकारियों से और नेताओं से कहा है, सभी आश्वासन देते हैं, लेकिन गांव का रास्ता अभी तक नहीं बना है। इस मामले में हटा विधायक पीएल तंतवाय ने बताया कि क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है। कलेक्टर को पत्र लिखा है, अब फिर से बात करेंगे ताकि इन मार्गों पर मुरम डालकर फिलहाल उन्हें आवागमन के लायक बनाया जा सके। तो रास्ता में ज़्यादा दर्द होने लगा, सो खटिया में लाए थे, तो फिर पाल लाए तो बच्चा होगा खट गए थे। फिर ले आए, पहाड़ जंगल बहुत ज़्यादा, रास्ता है ख़राब, ऊट पटांग रास्ता भैया, इसलिए फिर हम और पाल लाए। फिर बाद में गाड़ी आई, माने 1 घंटा बाद में गाड़ी आई, तो ले गए कुमारी से उनने रेफर कर दो, बहुत ज़्यादा ही तासीर।